भाई स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीरा कैसा बनाता है। तो गाइस सीरा तो बहुत ही लोग बनाता है, लेकिन मैं कुछ अलग ही आपको स्पेशल सीरा बना के दिखाने वाला हूँ गाइस। तो गाइस आपको कुछ करना नहीं होगा, वीडियो को स्किप मत करो गाइस, ध्यान से देखो। जो भी मैंने चीज डालते है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप मत करो गाइस। तो गाइस चलते है, आपको मैंने पूरा सीरा का रेसिपी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता है भंडा और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर लेते हैं और थोड़ा सा दूध भी डाल के मैंने गर्म कर लेता है, देख सकते हो आपको भी वैसा ही कर लेना होगा। बाद में मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेता है, जितना मेरा क्वांटिटी था उतना ही मैंने तेल डाल लिया है। और अभी डाल लेता है थोड़ा सा घी, देख सकते हो आप। अभी मैंने डाल लिया है लौंग, और मैंने ले लिया है सूजी रवा, देख सकते हो आप। आपको धीरे धीरे इसे डाल लेना होगा सूजी रवा, एक ही बार में डाल दिया तो आप गांठ हो जाएगा रवा, इसलिए धीरे धीरे इसे डाल लेना होगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, देख सकते हो आप। और आपको गैस थोड़ा सा स्लो कर लेना होगा, देख सकते हो, अगर स्पीड रहेगा तो जलने का पोजीशन रहता है। और अभी मैं ले लिया है मैंने काजू किशमिश, दोनों थोड़ा थोड़ा डाल लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेता है, देख सकते हो आप। और थोड़ा सा येलो लेमन येलो कलर ले लिया है मैंने, देख सकते हो, थोड़ा सा कलर आने के लिए लेमन येलो कलर ले लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको भी ऐसा ही मिक्स कर लेना होगा, देख सकते हो आप। और अभी ले लेते हैं जो गर्म पानी और दूध गर्म किया था उसको डाल लेते हैं, देख सकते हो आप। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हो कितना अच्छा कलर भी हो गया हमारा येलो कलर पूरा। और अभी डाल लिया है मैंने पाइनएप्पल, मैंने पाइनएप्पल सीरा बना रहा था तो इसलिए मैंने पाइनएप्पल डाल लिया। आपको भी अब अगर जो भी फ्रूट्स का सीरा बनाना चाहते हो तो डाल लेना होगा, अगर फ्रूट्स नहीं डालेगा तो भी चलेगा। मैंने पाइनएप्पल का सीरा बना रहा था इसलिए मैंने पाइनएप्पल डाल लिया। तो देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा सीरा बन रहे है, तो देख सकते हो थोड़ा सा घट भी होने आ गया, हमारा सीरा घट होने के लिए आ रहे, देख सकते हो आप। तो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, देख सकते हो। अभी मैंने डाल लिया है शुगर, देख सकते हो, जितना मेरा क्वांटिटी था उतना मैंने शुगर डाल लिया है। आपको भी तुम्हारा जितना क्वांटिटी है उतना ही शुगर डालो और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, देख सकते हो आप। देख सकते हो मैंने पूरा शुगर अच्छे से मिक्स कर लिया है। फाइनली देख सकते हो हमारा सीरा कितना अच्छे से बन गया है। तो वैसे देख सकते हो पूरा तरीका से हमारा सीरा अभी बन चुका है। अभी मैंने एक भंडा ले लेता है, उसमें निकाल लेता है, देख सकते हो आप। आपको भी वैसा ही निकाल लेना होगा, देख सकते हो। तो देख सकते हो फाइनली हमारा सीरा रेडी होके आपका सामने है। अगर वीडियो देखा है तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखो, और वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दो गाइज़। और मिलते हैं अगले वीडियो पे।